एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ नवनीत कौर एंड गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाली हूँ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर यू जी नेट एग्जाम तो जितने भी यू जी सी नेट एस्परेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट टू नो वट एग्जैक्टली इज द न्यूज़ विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल फाइन ओके क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं सो यू एज़ यू कैन सी हेयर कि यू जी सी का यहाँ पर एक लेटर इशू हुआ है ठीक है एंड डेट आपको यहाँ पर क्लियरली मेन्शन भी है फिफ्टीन ऑफ मार्च सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या सब्जेक्ट था टू कंसिडर सी एस सी एस आई सी डब्ल्यू ए क्वालिफ़िकेशन इक्वल एन टू पी जी डिग्री फॉर अपीयरिंग इन यू जी सी नेट येस सो यहाँ पर यू ने कल एक लेटर इशू किया है जहाँ पर उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है कि जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सी एस या फिर आई की डिग्री है उसे माना जाए इक्विवेलेंट टू अ पीजी डिग्री ठीक है एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के इक्विवेलेंट उसको माना जाए इसके रिगार्डिंग यहाँ पर यू ने कल लेटर इशू किया है तो जिसमें उन्होंने बताया है कि यू के पास रिक्वेस्ट गई थी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किस लिए टू कंसीडर द क्वालिफिकेशन बीइंग अवार्डेड बाय देम मींस जो भी वो क्वालिफिकेशन देते हैं स्टूडेंट्स को जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी सेक्रेटरी की एंड कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट तो इन सभी क्वालिफिकेशंस को इन सभी डिग्रीज को माना जाना चाहिए इक्विवेलेंट टू अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो यहाँ पर इस चीज को लेकर यू ने एक कमेटी बनाई थी एंड उस कमिटी में उन्होंने ये डिसीजन लिया है दैट सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू ए क्वालिफिकेशन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पी जी डिग्री राइट तो मीन्स जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये डिग्री होगी वो माना जाएगा कि उनकी किसके इक्वल है एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के इक्वल है तो इट मीन्स अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी या फिर सी कंप्लीट की है दे कैन नाउ अप्लाई फॉर यू नेट एग्जाम राइट दे आर नाउ एलिजिबल टू अपियर इन द यू जी सी नेट एग्जाम बिकॉज यू जी सी नेट एग्जाम की क्या कंडीशन होती है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स ये यही होती है ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो तो जितने भी अब सी ए और सी एस स्टूडेंट होंगे जिनके पास ये डिग्री होगी उनकी डिग्री अब क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के इक्वलेंट मानी जाएगी तो दे आर नाउ ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यू जी सी नेट एग्जाम तो वो भी अब यू जी सी नेट एग्जाम की एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो परस्यू पी एच डी तो अगर उन्हें पी एच डी भी फर्दर करनी है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कॉमर्स की लाइक कारपोरेट गवर्नेंस टैक्स लॉज ठीक है तो दे कैन दे कैन नाउ परस्यू देयर पी एच डी वर्क एज़ वेल तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं सीए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सी एम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एज वेल एज़ यू जी नेट एस्पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वाई बिकॉज अब देखो अब क्योंकि यहाँ पर ये वाले स्टूडेंट्स भी यू नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो अब आपके लिए कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है राइट right? तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है बिकॉज अब ये सब स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो कंपटीशन टफ़ होने वाला है सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज वेल एज़ जितने भी यूजीसी नेट एसपैरेंट्स हैं उनके लिए भी सो दिस इज़ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ठीक है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कल ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एज़ वेल एज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट भी किया है एंड दे अप्रिशिएटेड दिस मूव टेकन बाय द यू जी सी जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है दे अप्रिशिएटेड इट ठीक है तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ट्विटर पर यहाँ पर ट्वीट किया गया है दिस इज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल uh, लगी होगी एंड डोंट फो गेट टू शेयर विद दो स्टूडेंट्स दोस्त योर फ्रेंड्स जिन्हें ये इन्फॉमेसन पता होनी चाहिए ठीक है तो अब उनकी सी ए डिग्री जो भी होगी या सी एस की डिग्री होगी उनके लिए और भी ज़्यादा मैटर करेगी बिकॉज इट इज़ नाउ इक्वल एंड टू पी जी डिग्री एंड ऑफकोर्स जितने भी एग्जिटिंग यू जी सी नेट एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिकॉज अब उन्हें पता चलेगा कि अब उनके लिए कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है सो दिस इज़ ऑल फोर टूडेज़ वीडियो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव If yes, then don't forget to share it with your friends. So, I'll be back in the next video. Till then, keep learning and thank you so much for watching.